हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दुनिया भर के रैंडम फैक्ट्स। तो उससे पहले मैं आप सभी से एक शुक्र अदा करना चाहूँगी कि आप लोग ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सब्सक्राइब किया, इतना लाइक किया। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज के हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला फैक्ट, जापान एक ऐसा कंट्री है जो फोर्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों के एग्जामिनेशंस नहीं लेता है। बट ऐसा क्यों करता है वो? वो इसीलिए क्योंकि उनके स्कूलों का मकसद बच्चों को लर्न करवाने की सलाहियत पहचानना नहीं, बल्कि उनके कैरेक्टर को डेवलप करना और ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका सिखाना होता है। इसीलिए वहाँ पर फोर्थ स्टैंडर्ड तक के कोई भी एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, जबकि सारी दुनिया अपने बच्चों का वक्त अच्छा रिजल्ट बनाने में ही बर्बाद कर देती है। दूसरा, फरारी। फरारी को दुनिया भर में हर कोई जानता है, आखिर ये है ही इतनी जबरदस्त कार। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको एक जबरदस्त फैक्ट बता देती हूँ। फरारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि उसके एम्प्लॉयज ये कार नहीं खरीद सकते। ओहो, मुझे फरारी से एकदम जबरदस्त बात याद आई है। क्या आपको पता है कि फरारी होममेड बन चुकी है इन चाइना? चाइना में 3 लड़कों ने बनाई है फरारी को, वो भी बिल्कुल अपने हाथ से, सिर्फ 1 लाख रुपए में। वो भी 5 करोड़ रुपए की गाड़ी को 1 लाख रुपए में तैयार करना कोई आम बात नहीं, बल्कि बहुत हैरत कर देने वाली बात है। तो मुझे इनका ये काम बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। और इस कार को बनाने में लगभग 2 महीने लगे। साथ ही इसके अंदर इंजन के नाम पर वाटर पंप इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, डीजल इसमें डाला जाता है और वाटर पंप की मशीन जो है वो इसमें लगाई गई है एज ए इंजन। और ये कार बहुत ज़बरदस्त है और मैं बिल्कुल इम्प्रेस हूँ इन लोगों के काम से। और आपको कैसा लगा इनका काम, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैंने 5 बार इस वीडियो में गलती कर दी है। बट मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, ख्वाब अगर सच्चा हो तो पूरा होने में देर नहीं लगती, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये बात जानकर तो आपको हैरानी होगी क्योंकि दुनिया में 6 लोग आपकी तरह दिखते हैं और 9% चांसेस है कि आप उनसे मिले। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपको लाइफ प्रूफ एग्जाम्पल देती हूँ। ये करीना कपूर है, आप सब जानते हैं। देखिए इनकी ऐसी ये लड़की दिखती है। ये सेलेना है, एक अमेरिकन सिंगर, उनकी ऐसी ये लड़की दिखती है। ये एक यूट्यूबर है जिनकी ऐसी ये लड़की दिखती है। अब तो आपको यकीन आ ही गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं फोर्थ फैक्ट पर, दैट इज स्ट्रेस। रिसर्चेस के मुताबिक स्ट्रेस आपके दिमाग को मार दे सकती है। जी हाँ, स्ट्रेस इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि यह आपके दिमाग की न्यूरॉन्स को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दे सकती है और आपके अंदर से सोचने की सलाहियत ख़त्म कर देती है। आप ना ही किसी बात को सोच पाते हैं और ना ही किसी बात का फ़ैसला ले पाते हैं। इवन आपकी बॉडी में होने वाली हलचल को भी ये ख़त्म कर देती है, क्योंकि वाहिद दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसीलिए भाई, छोटी मोटी बातों पर स्ट्रेस मत लिया करो, ये आपको बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। ज़िंदगी है, ऊंच नीच तो होते रहती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पर, फैक्ट नंबर 5th, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता, ये दुनिया की एक मशहूर साइंटिस्ट है। बट क्या आप इनके बारे में ये बात जानते हैं कि इन्हें इसराइल ने प्रेसिडेंट बनने का ऑफ़र दिया था, बट इन्होंने इसे इनकार कर दिया। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो दुनिया में किसी को भी नहीं पता। अगर आपको इनके बारे में कोई भी हिस्ट्री मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मैं इस पर ज़रूर काम करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।